हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कुक विद ममता। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ऐसी रेसिपी जिसे आप बिना किसी झंझट के इंस्टेंटली बना सकते हैं और शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हम बना रहे हैं ये व्हाइट ढोकला। हम घी तेल में बनी ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। मिक्सिंग बाउल में मैंने 1 कप सूजी ली है, ये बारीक वाली सूजी है। वजन में नापे तो ये 100 ग्राम है। सूजी में 1 कप दही डालें। जिस कप से नापकर मैंने सूजी ली थी उसी कप से नापकर 1 कप दही इसमें डाल दें। इसको मिक्स करें। सूजी को मैंने ग्राइंड करके लिया है। 1 चम्मच ऑयल डालें, ये रिफाइंड ऑयल है। 1/2 टीस्पून या स्वादानुसार नमक इसमें डालें। ये मैंने अदरक और हरी मिर्च को कूट कर लिया है, ये इसमें ऐड करें। ये 1 टीस्पून है। इसमें थोड़ा पानी ऐड करें। आधा कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखें। बैटर को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन हटाएंगे, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। ये देखिए, सूजी अच्छे से फूल गई है। अब इसमें हमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 टीस्पून इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट डालें। इनो को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी इस पर डाल दें। हल्के हाथ से इसे मिक्स करें, बहुत तेज़ी से नहीं मिक्स करना है। अब देखिए, इसमें ये बबल्स बनने लगे हैं। अगर हम तेज़ी से मिक्स करेंगे तो ये बबल ख़त्म हो जाएंगे। बैटर रेडी हो गया है। यहाँ मैंने इस तरह से एक केक टिन लिया है, इसे मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। आप कोई भी थाली, प्लेट या कटोरा ले सकते हैं। बस अब ये बैटर इसमें पोर करें। धीमे से इसे हिला दें जिससे कि ये सेट हो जाए। इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़े से चिली फ्लेक्स मैं इस पर डालूंगी। आप चाहें तो इसे स्किप कर दें। चिली फ्लेक्स अगर नहीं है तो आप लाल मिर्ची का पाउडर भी इस पर डाल सकते हैं। बस थोड़े से ही चिली फ्लेक्स इस पर डालेंगे। और दोस्तों, अब हम आ गए हैं कढ़ाई की ओर। इसे मैंने प्री हीट किया था, थोड़ा पानी डालकर इसे बॉयल होने के लिए रखा था। अब इस पर इस तरह का एक जाली रखेंगे। आप किसी तरह का भी कोई जाली, नेट या कटोरी रख सकते हैं। ये मोल्ड इस पर रखें, फ्लेम को फुल कर दें। अब इसे स्टीम करें। 15 मिनट में ये आराम से स्टीम हो जाता है। अभी हम फ्लेम को फुल रखेंगे और 30 सेकंड बाद फ्लेम को मीडियम करेंगे। अब और दोस्तों, हम फिर से वापस आ गए हैं। लो फ्लेम पर इसे कुक होते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए कितना फूला फूला ढोकला बना है। एक टूथपिक इसमें इंसर्ट करके देखेंगे। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब ये पक गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर दें, इसे कढ़ाई से निकाल लें। ढोकले को मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है। अब इसे कुछ देर के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे। ये ठंडा हो गया है, अब इसको अनमोल्ड करेंगे। बस अब इसे प्लेट में निकालेंगे। इसे मैंने प्लेट में निकालकर सीधा कर लिया है। अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए, आप इसका स्पंज देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। ये देखिए दोस्तों, ये ढोकला तो बनकर तैयार हो गया और अब इसमें तड़का लगाना बाकी है। गैस की फ्लेम पर मैंने एक तड़का पैन रख दिया है। अब इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल डालें। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें 1/2 चम्मच राई डालें, 1 चम्मच सीसम सीड यानी कि तिल डालें। ये थोड़ी करी पत्ते ऐड करें, फ्लेम को ऑफ कर दें। और ये थोड़ी हरी मिर्च को मैंने बारीक काटा है, ये भी इसमें ऐड कर दें। थोड़ा सा हींग पाउडर डालें, फ्लेम को ऑन करें। ये मसाले भुन गए हैं। अब इसमें 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर दें। 1/2 चम्मच शुगर ऐड करें, थोड़ा सा पिंच भर नमक डालें। एक बार इसको मिक्स कर दें जिससे कि चीनी मेल्ट हो जाए। बस पानी कुक हो गया है, फ्लेम को ऑफ करें। इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें। बस अब 1 चम्मच की हेल्प से ये तड़का इस पर डालें।
ढोकले को मैंने काट कर इस पर ये पानी डाला है जिससे कि ये अंदर तक इसे एब्जॉर्ब कर ले। थोड़ा करी पत्ता से इसे गार्निश करें और तैयार है ये हमारा इंस्टेंट ढोकला। ये खाने में इतना टेस्टी है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाएंगे। आप इसको हरे धनिए से भी गार्निश कर सकते हैं। और दोस्तों मिनटो में बनने वाली इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई करें और शाम की चाय के साथ इसका आनंद लें। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।